अब बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी हथियार का इस्तेमाल किए रशिया को कमजोर कैसे कर सकते हैं, और उनकी पूरी कोशिश है कि इससे पहले कि पुतिन अपनी रणनीति को अपने चरम पर ले जाएं और पुतिन जैसा चाहते थे वैसा कर पाएं, उससे पहले ही रशिया को इतना कमजोर कर दो पैसे की दृष्टि से कि पुतिन का सपना कभी पूरा ना हो पाए। रशिया को चुनौती सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर ही नहीं मिल रही है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर उसके लिए लड़ाई हर दिन मुश्किल हो रही है, और यही पश्चिमी देश और अमेरिका चाहता है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर हर रोज 15 बिलियन पाउंड यानी लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। तो सोचिए, रशिया का जो इस समय खर्चा है इस युद्ध पर वो है 1.5 लाख रुपए रोज का। इस हिसाब से इस युद्ध पर हर मिनट का खर्च हुआ 100 करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है कि इससे अफगानिस्तान में भुखमरी का सामना कर रहे लाखों लोगों का 4 साल तक पेट भर सकता है। रशिया को इस युद्ध की एक बहुत बड़ी कीमत इस समय चुकानी पड़ रही है, जैसा हमने आपको कहा, 1.5 लाख रुपए हर रोज, 1.5 करोड़ रुपए हर रोज। रशिया की कंपनियों को भी, प्राइवेट कंपनियों को भी यूक्रेन संकट से हर दिन लगभग 15 बिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रशिया के कुछ बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंच, जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं, उन्हें इन बैंकों को स्विफ्ट से हटा दिया गया है। इनमें रशिया का सेंट्रल बैंक है, और आज ही यूरोपीय यूनियन ने स्विफ्ट से 7 और रशियन बैंक्स को बाहर कर दिया है। अब आप ये समझिए कि स्विफ्ट क्या होता है, और ये जो फैसला लिया है स्विफ्ट से उन्हें हटाने का, इससे रशिया को कितना नुकसान होगा। स्विफ्ट से रशिया के बैंकों को हटाने का उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा। स्विफ्ट का अर्थ होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ये एक प्लेटफॉर्म होता है, ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, मंच है, जिसके जरिए दुनिया भर के बैंक्स और वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे के साथ विश्वसनीय और गोपनीय तरीके से कारोबार करती हैं, सूचनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं और एक दूसरे को लोन्स भी देती हैं। ये पूरी व्यवस्था बहुत जटिल होती है, और इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय लेन देन के समय कोई हैकर्स इसे नुकसान ना पहुंचा पाए, और स्विफ्ट का इस्तेमाल इसी कारण से होता है। वर्ष 2021 में दुनिया की 11,000 वित्तीय संस्थाएं स्विफ्ट पर रजिस्टर्ड थी, और इन संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन 4 से 4.5 करोड़ मैसेजेस यानी संदेश और सूचनाएं इस मंच के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर की जाती हैं, और इस समय दुनिया के 200 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। स्विफ्ट से भी किसी देश को बैन करना कैसे उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है, अब उसका उदाहरण अगर आप देखने जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान। ईरान की बर्बादी का यही कारण था। वर्ष 2012 में ईरान के बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया था, और इसके बाद ईरान का तेल निर्यात 30 लाख बैरल प्रतिदिन से घटकर सिर्फ 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। होता यह है कि जब किसी देश को इस प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है तो उस देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की क्षमता बहुत सीमित हो जाती है। अगर आप अब भी इस बात को नहीं समझे तो एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए आप बाजार में किसी दुकान से कोई सामान खरीदने गए, और उस दुकान पर लेन देन के लिए केवल डिजिटल पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन सभी पेमेंट ऐप्स ने कुछ कारणों से आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है और आप तमाम ऐसे ऐप से ब्लॉक्ड हैं, तो आप उस दुकान से चाहकर भी कुछ खरीद नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पर भी यही होता है। जिन देशों की वित्तीय संस्थाएं और बैंक्स इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होते, उन देशों के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना या उसे कुछ भी बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रशिया के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही आने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो रशिया की आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे रशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, गैस और हथियारों को बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रशिया अंतर्राष्ट्रीय लोन्स नहीं ले पाएगा, और डॉलर में उसके लिए व्यापार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे रशिया वर्ष 2014 में ही समझ गया था कि भविष्य में उसे अलग थलग करने के लिए इस तरह का कदम अमेरिका उठा सकता है और उसे स्विफ्ट से बाहर कर सकता है, इसलिए वो पिछले 8 वर्षों में स्विफ्ट जैसी एक और व्यवस्था को विकसित कर चुका है। इसे सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज यानी SPFS कहते हैं, ये उसका नाम है। हालांकि स्विफ्ट की तुलना में यह मंच अभी काफी अस्थिर है, छोटा है और कमजोर भी है।
स्विफ्ट पर दुनिया की 11,000 वित्तीय संस्थाएं हैं और रशिया ने जो अपनी ये प्लेटफॉर्म जो तैयार किया था SPFS, इस पर सिर्फ 400 संस्थाएं इस समय हैं। और अब से कुछ देर पहले यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया ने उस पर हमले की योजना 18 जनवरी को ही बना ली थी और रशिया की सेना का अनुमान था कि वो 15 दिनों के अंदर यूक्रेन की सेना को सरेंडर करवा देगा। आज युद्ध का 7वां दिन है, यानी अब भी 8 दिन बचे हुए हैं और रशिया ने अब अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस जानकारी के मुताबिक रशिया का जो पूरा प्लान था वो 15 दिनों का है कि 15 दिनों में यूक्रेन सरेंडर करेगा और अभी तो आधे दिन ही हुए हैं। यूक्रेन ने यह दावा रशिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किया है। यूक्रेन का कहना है कि रशिया के सैनिक ये डॉक्यूमेंट्स घबराहट में छोड़कर भाग गए थे और इन दस्तावेजों में यूक्रेन पर हमले का पूरा एक्शन प्लान बना हुआ है। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख ने भी यह कहा है कि उनके देश का कोई भी सैटेलाइट हैक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में किसी भी सैटेलाइट को हैक करने की कोशिश की गई तो उसकी वजह से युद्ध छिड़ सकता है। रशिया की स्पेस एजेंसी 4 मार्च को ब्रिटेन की कंपनी वन वेब के 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है और उसने ब्रिटेन से इस बात की गारंटी मांगी है कि इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ नहीं किया जाएगा। वन वेब ब्रिटेन की एक कंपनी है जो सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है और इसमें भारत की एक निजी टेलीकॉम कंपनी की भी बड़ी हिस्सेदारी है। यूक्रेन के हालात पर अब से थोड़ी देर पहले यहां नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की और इस बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने अपने साथियों से सरकार से पूरा अपडेट लिया है अभी तक का कि यूक्रेन में अभी तक क्या चल रहा है। इस युद्ध को लेकर उनके सामने एक प्रेजेंटेशन रखी गई, उन्होंने तमाम जानकारियां ली हैं और आज रात को ही, जैसा हम आपको बता चुके हैं कि आज रात को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। ये हाल के दिनों में उनकी दूसरी बार बातचीत होगी और इस बातचीत में व्लादिमीर पुतिन अपना पक्ष नरेंद्र मोदी को बताएंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा आज पुतिन के साथ उठा सकते हैं। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.